देखो क्वेश्चन नोट करो. सपोज देर इज अ प्लैनेट ऑफ मास 16 टाइम्स एम एंड दिस इज अ प्लैनेट ऑफ मास एम. ये दो प्लैनेट्स हैं सच दैट इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस इज 10a. इनके जो सेंटर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस इज 10a. इसका जो डायमीटर है इज 2a. इसका डायमीटर इज a. दोनों प्लैनेट्स के डायमीटर भी गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है, और सॉरी रेडियस, दोनों का रेडियस भी गिवन है और दोनों का सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस भी गिवन है. ठीक. आपको क्या गिवन है कि इसकी सरफेस से इस पॉइंट से एक मास m, ठीक, पॉइंट मास या टेस्ट मास m को हमने एक लार्जर प्लैनेट के सरफेस से प्रोजेक्ट किया. तो आपको यह बताना है कि इसकी मिनिमम स्पीड v क्या हो, मैं कितनी वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करूं सो दैट इट शुड रीच द सरफेस ऑफ स्मॉलर प्लैनेट, वो यहां पे आ जाए. कम से कम, ज्यादा में तो कितनी भी कर दोगे तो हिट करेगा ही करेगा, कम से कम इसकी वेलोसिटी क्या हो कि ये यहां पर इस सरफेस पे जाके हिट करे. हाँ, सेंटर पे गया जाएगा, सॉलिड है सरफेस के ऊपर, बस यहां तक आ जाए. हाँ, बस यहां से लेके यहां पर आ जाए, बस टच करना चाहिए. पहले कॉन्सेप्ट पे सबको क्या लगेगा? लगेगी जी. कैसे? आप ये बोलना चाहते हो कि यहां और यहां एनर्जी कंजर्व कर दूं? नहीं, यहां तो ठीक है. सेकंड पॉइंट ये नहीं होगा. सोचो. ये पॉइंट सही है. वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर इसका और इसका नेट फील्ड क्या हो जाता है, जीरो. अगर मुझे वो पॉइंट मिल जाता है, ठीक, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि जहां पर इसने ठीक बोला कि जहां पर इसका क्या हो जाएगा, इसकी फोर्स लगनी बंद हो जाएगी. सही. तो इन शॉर्ट जहां नेट फील्ड जीरो है, नेट फील्ड जीरो तब होगा जब इधर और इधर का फील्ड बराबर हो जाएगा. अगर आप यहां तक इसको ले गए मिनिमम, उसके बाद हल्का सा आपने आगे किया, उसके बाद ये इसके ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा, ये इसे अपने आप खींच लेगा, सरफेस पे ऑब्जेक्ट आएगा. तो आपने इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन यहां और यहां नहीं लगानी, आपने यहां और वहां लगानी है जहां पर नेट ई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पर दोनों की फील्ड बराबर हो जाएंगे. तो इसका फील्ड और इसका फील्ड क्योंकि ऑपोजिट होगा, तो उसके बाद जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे इसे अपने पास खींच लेगा और प्लैनेट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट. अब पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है. ठीक, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है वो मान लो सेंटर से ये जो वैल्यू है सपोज वो कितनी है, एक्स. तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10a माइनस एक्स. ठीक, तो यहां से नेट ई जीरो करें, ये 16m वाला ऑब्जेक्ट इसे अपनी तरफ खींचेगा, m वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा. 16m क्योंकि जहां पर आपको जो है, या फोर्स कर लो, चलो नेट फोर्स जीरो कर लो, नेट फील्ड जीरो कर लो, एक ही बात होती है वैसे, नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं. ये 16m जब स्मॉल m यहां पहुंचेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स ऑफ 16m इनटू m डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और ऐसे ये इसे अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स ऑफ g इनटू m इनटू कितना, m डिवाइडेड बाय कितना, 10a माइनस x का होल स्क्वायर. तो इसके अंदर जो मास है ये सॉरी स्मॉल m है और ये कैपिटल m मास है. हाँ, ये कैपिटल m है, तो यहां 16 टाइम्स कैपिटल m आएगा, ये भी कैपिटल m आएगा. ठीक, फोर्स को इक्वेट कर दिया दोनों की, दोनों को फोर्स इक्वेट करने का मतलब छोटा m बड़ा m, छोटा m बड़ा m कैंसिल, g से g कैंसिल. तो यहां से क्या आ गया, 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
टेन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके पहले तो एक्स आएगा और एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 8a। ठीक, तो ये एक P पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट A ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। एनर्जी कंजर्वेशन की वैल्यू एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट P। तो A पॉइंट के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे, A पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इनका सम क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। ठीक, गुड आउट इसमें। अब काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर क्या होगी बोलो, हाफ छोटा एम इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल बोलो प्लीज। हाँ बोलो, माइनस जी 16m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a। 16m मास, छोटा m मास और रेडियस कितने है प्लैनेट का 2a, इन दोनों की प्लस m की और छोटे m की भी तो होगी एनर्जी, m और छोटे m की एनर्जी भी तो लेनी पड़ेगी। पोटेंशियल सिस्टम की है ना, सिस्टम के अंदर कितने, सिस्टम के अंदर एक तो इसकी एनर्जी हो गई और दूसरी m और छोटे m की भी तो लेनी पड़ेगी, पूरा एक ही सिस्टम है। चलो आप एक काम करो, आप दो मिनट अपनी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, फिर एंड में मैच करेंगे। अब बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप फिर अपनी एनर्जी लगाना। लगाओ जरा, आप अपने हिसाब से एनर्जी लगाओ। मतलब मैं ये ऐसे कर रहा था कि मैंने इसकी एनर्जी निकाल ली एक, फिर मैंने कहा कि कैपिटल एम भी तो स्मॉल एम इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएगा, और मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसको ऐसे कर लिया प्लस माइनस जी एम छोटा एम, और इनके बीच में अगर टोटल डिस्टेंस 10a है, 10a में से 2a गया तो इसके सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना बच गया 8a, तो डिवाइडेड बाय 8a। फिर मैंने क्या किया, इक्वल टू टोटल 10a है, 10a में से ये डिस्टेंस माइनस करना है ना, ये और ये डिस्टेंस निकालना है 8a। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी वहां पर आके क्या हो जाएगी, जीरो, रुक गया वो वहां पर, मिनिमम का केस है। और पोटेंशियल के लिए माइनस जी 16m इंटू छोटा m डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसमें, अब ये और ये डिस्टेंस सेंटर से क्या लेंगे 8x, x का मतलब यहां पर 8a, प्लस माइनस जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइडेड बाय, अगर ये 10a है ये 8a है तो इसके सेंटर से कितना बचेगा 2a। तो यहां से सॉल्व करके आप v निकाल सकते हो वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, जिनको ये एनर्जी से कंफ्यूजन लगता है वो ऐसे ना करें, कोई बात नहीं। हमने लास्ट टाइम एक पॉइंट किया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, सॉरी मास, किस मास को उठा के रखना है छोटे एम, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, बॉडी कहां से कहां जा रही है, ए से पी, तो फाइनल पोटेंशियल क्या बनेगा पी, इनिशियल क्या बनेगा ए, सही। तो यहां से आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू छोटा एम इनटू पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पी एंड ए। अब एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट पी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल पी पॉइंट पर क्या होगा, यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, ये रहा पी पॉइंट। पोटेंशियल पी पॉइंट पर क्या होगा, कौन लगाएगा इसके ऊपर पोटेंशियल,
ये प्लैनेट लगाएगा, ये प्लैनेट भी लगाएगा, और जहां पोटेंशियल निकालने, अब यहां पे मास जितना गया मेरे को उससे लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे वहां मास चाहिए ही नहीं, मैं तो यूनिट मास ले लेता हूं। तो 16m कितना पोटेंशियल लगाएगा, माइनस जी इंटू 16 बड़ा एम डिवाइडेड बाई कितना, डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, नहीं हम क्या क्या निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर, हाँ 16m, तो इनके जो डिस्टेंस x का मतलब 8a प्लस माइनस जी बड़ा एम डिवाइडेड बाई कितना 2a, पी का पोटेंशियल आ गया। ऐसी अगर ए का पोटेंशियल निकालेंगे तो ए का पोटेंशियल ये रहा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू कितना मास है इसमें 16m डिवाइडेड बाई कितना 2a प्लस माइनस जी, बड़ा एम भी पोटेंशियल लगाएगा, बड़ा एम कितना पोटेंशियल लगाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 2a। इन दोनों को उठा के जब वहां पुट करोगे ना वहां पर, और वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी, कहां पे, यहां पे, हाँ ये 8a आएगा राइट, क्योंकि इससे डिस्टेंस 8a है राइट, ठीक है यहां तक। तो जब आप इन वैल्यूज को वहां पुट करोगे और काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, तो m से m क्या हो जाएगा कैंसल, और यहां से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, सेम आंसर आएगा, वैसे इसमें कोई फर्क नहीं है, ये ज्यादा इजी है वैसे, कभी किसी मास को उठा के रखना हो और वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी कंजर्वेशन के बजाय ये लगा लो, वर्क डन बाय मास जिसको उठा के रखा गया इस पोटेंशियल का डिफरेंस, ये ज्यादा इजी रहेगा। हम प्रूफ करने जा रहे हैं अब, रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने करवा दिया, रिंग के पोटेंशियल की वैल्यू भी यूज करनी भी आ गई, शेल का पोटेंशियल यूज करना आ गया, स्फीयर का भी आ गया, सब कुछ आ गया, पर ये नहीं आया है वो रिजल्ट आया कहाँ से, तो बस अभी एंड में देखेंगे कि वो रिजल्ट कहाँ से आया। ठीक, नॉर्मली उल्टा होना चाहिए था, पहले रिजल्ट बताने चाहिए थे फिर उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए थी, पर आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में कि मैंने उल्टा क्यों किया। ठीक, एक घंटे बाद पूछूंगा। पहला टॉपिक है टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर ये रिंग है, रिंग का मास m है, इसका रेडियस a है, ये कोई पॉइंट p है, ये डिस्टेंस r है, और आपको p पॉइंट पर किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो
तो हमने क्या करना है, सपोज करो ये डिस्टेंस जो है वो z है, वेयर z कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और यहां पर एक रिंग का स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो कि कितना है, dm है। dm एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, ये पॉइंट यहां पर स्मॉल पोटेंशियल लगाएगा dv, कितना लगाएगा p पॉइंट पर, g माइनस g इंटू कितना dm डिवाइडेड बाय कितना, इसका डिस्टेंस कितना है सीधा यहां से z। तो क्लियर है यहां तक, ठीक। या फिर किसके अंदर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों साइड्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dm डिवाइडेड बाय z, तो v की वैल्यू आएगी माइनस g बाय z की वैल्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा dm। अब मुझे चीज बताओ, अगर ये सारे dm 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 रिंग के हम इंटीग्रेट करें तो टोटल मास ऑफ दी रिंग आ जाएगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल मास कितना आएगा, m बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो मैंने कल भी ये फॉर्मूला करवाया था, माइनस जी एम मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई ये टेढ़ा डिस्टेंस लेते हैं। अब समझ में आ रहा है टेढ़ा डिस्टेंस क्यों लेते हैं z। नेक्स्ट है टू फाइंड पोटेंशियल, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक। और ये आपके सामने एक शेल है जो अंदर से खाली है, ठीक। इसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, इसमें एक ये शेल किससे बना हुआ है, बहुत सारी रिंग्स से, राइट, रिंग्स रिंग्स एंड रिंग्स। तो उनमें से एक रिंग कंसिडर करेंगे, ये इसका जो है सेंटर है। तो मान लो मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली, ये वो रिंग है, ये इसका सेंटर है कुछ ऐसे, और ये जो है इसका रेडियस है, और लेट अस सपोज ये जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से, ये जो एलिमेंट है ये स्मॉल एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा, डी थीटा, और ये जो एंगल है दिस इज सपोज थीटा, थीटा, डी थीटा जो एलिमेंट, जो कॉर्नर का एलिमेंट है वो सेंटर में जो एंगल बना रहा है इसके। जैसे आप एक रिंग कंसिडर करेंगे, एक रिंग ली आपने सर्कुलर, वो रिंग की कोई थिकनेस होगी, थिकनेस होगी कोई, ये वाला एलिमेंट होगा और ये वाला एलिमेंट होगा, दो पॉइंट्स होंगे ना, तो इसने कितना स्मॉल एंगल बनाया सेंटर पे, डी थीटा। इसकी बजाय आप इमेजिन करो एक बॉल है,
आप एक रिंग बना लो उसके ऊपर, थोड़ी थिक रिंग। तो इमेजिन करो दो पॉइंट्स आएंगे, उसके दो लाइंस बनेंगी थिक रिंग में, तो वो जो एंगल बनाएगी वो सेम एंगल नहीं बनेगा ना, उसमें वो बहुत छोटा एंगल बनेगा, डिपेंडिंग कि आपने कितनी थिकनेस है। इसके और ये कर्व है, हाँ इस कर्व ने यहां टच किया इसे, ये कुछ ऐसे है कि इस कर्व ने इसको यहां टच किया, इस कर्व ने इसको यहां टच किया, तो ये कर्व ने जो एंगल बनाया। हाँ तो इमेजिनरी डायग्राम बन रहा है ना ये, रिंग अंदर से खाली नहीं है, स्फीयर अंदर से खाली है। अगर आप एक बॉल लो अंदर से खाली है, उसके ऊपर रिंग बनाओगे तो सरफेस एरिया तो चल रहा है ना, एरिया वाइज रिंग का एरिया तो निकलेगा। हाँ तो ये है वो, तो इस टाइप से आपको ज़ूम करना है इसे, ठीक। तो नेक्स्ट जो है, मान लो आपको एक पॉइंट बाहर गिवन है पी, इसके बाहर पी पॉइंट गिवन है सच दैट ये अगर एंगल थीटा, ये जो सी और पी के बीच में डिस्टेंस है इज आर, मतलब आपको पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है शेल की वजह से, तो पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस निकालना है, और मान लो ये डिस्टेंस कितना है जेड, और ये पॉइंट है ए, सच दैट इसका रेडियस शेल का ए है, इस शेल का रेडियस ए है, और अगर ये ए है एंड इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, और अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए साइन थीटा, ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी ए इंटू साइन थीटा, ये हाइट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा, और क्योंकि अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखो जो डी थीटा वाला, एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा, तो ये जो थिकनेस आएगी इसकी वो क्या आएगी, ए डी थीटा थिकनेस आएगी, तो रिंग की थिकनेस निकल गई। ये ए है, ये सेक्टर है ना एक, ये रहा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू ए डी थीटा। मतलब मैंने इन शॉर्ट ये ए साइन थीटा पता है क्या निकाला, ए साइन थीटा इज रेडियस ऑफ रिंग, ये रिंग का रेडियस आ गया। देखो इस रिंग का अगर सर्कल बनाएंगे, इसका रिंग का रेडियस यही होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन थीटा ये रेडियस चेंज होता जाएगा, एंगल छोटा बड़ा होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये एक सेक्टर बना, एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस रेडियस, और ऑलमोस्ट ये ए और ये भी ए माना जाता है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा अब कॉन्सेप्ट समझ लो निकलेगा कैसे। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं, हमें एक रिंग के एक्सिस के ऊपर वी निकालना आता है, पिछला रिजल्ट यही था। तो हमने कोई भी एक रिंग ले ली, इस रिंग का यहां पर वी निकाल लेंगे, अगली रिंग का भी वी निकाल लेंगे, पहली वाली रिंग का भी, तो सारी रिंग्स का अगर वी निकाल के इंटीग्रेट कर दें तो पूरी शेल का वी आ जाएगा। तो समझ में आया ये रिंग क्यों कंसिडर की, और रिंग के एक्सिस पे, रिंग के ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पर मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है। तो रिंग के एक्सिस पे अगर पी निकालना है तो मुझे टेटा डिस्टेंस चाहिए होगा यहां से रिंग के कॉर्न ऊपर से, यहां से, जो कि कितना है जेड, जो अभी पिछला रिजल्ट किया था जेड। और इसका मास निकालना है रिंग का, क्योंकि यहां पर जो वी निकलेगा वो क्या होगा, माइनस जी इंटू मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय जेड, डीवी आएगा, डीवी का मतलब रिंग का स्मॉल पोटेंशियल आएगा, और उसके बाद फिर अगली रिंग का निकलेगा और इंटीग्रेट कर देंगे डीवी को। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगा, मौका दो, ठीक। तो मैथ्स क्या यूज होगा वो बाद की बात है, कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया।
जेड मतलब ये डिस्टेंस आएगा पाइथागोरस से निकालेंगे, वो तो अभी पिछला रिजल्ट नहीं किया रिंग वाला, तो रिंग में चेक करो ऐसे नहीं किया था कि जैसे अगर ये रिंग है इसके एक्सिस पे ये पी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस लेते थे ना जेड निकालने के लिए, मास ऑफ रिंग इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड, तो डेटा लेना ही पड़ेगा ना ऊपर से डिस्टेंस। पिछला रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम एग्जैक्टली पिछला, तो करें स्टार्ट। तो पहले हमें मास ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा इसमें, तो इसमें एक काम करते हैं क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द शेल, मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक काम करते हैं अगर एरिया 4 पाई ए स्क्वायर है पूरे शेल का तो मास कितने है एम, 1 है तो 4 पाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और मुझे किसका मास निकालना है रिंग का, तो मैं किसका एरिया निकालूंगा पहले रिंग का, तो इसको यहीं छोड़ के पहले एक मिनट जरा एरिया ऑफ रिंग निकाल लें, एरिया ऑफ रिंग ठीक तभी मास आएगा। अब एरिया ऑफ रिंग होगा क्या, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ठीक सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई इनटू, रिंग का रेडियस कितना है ए साइन थीटा, जो रिंग है उसका रेडियस ए साइन थीटा, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई ए साइन थीटा, और थिकनेस कितनी है वो निकाल चुके हैं ए ए इनटू डी थीटा, तो एरिया ऑफ रिंग आ गया, तो एरिया ऑफ रिंग की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहां से स्टार्ट करें, अगर टोटल एरिया इतना है तो मास इतना है, और अगर रिंग का एरिया 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा तो एम बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये मेरे पास क्या जाएगा मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग को मान लो मैं डीएम से रिप्रेजेंट करता हूं इसमें, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये मास ऑफ रिंग आ गया। पूरे शेल का एरिया 4 पाई स्क्वायर नहीं है, पूरे शेल का एरिया अगर 4 पाई ए स्क्वायर है तो मास एम है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है, इसमें एक मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, वो क्या मैथ्स की ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है कि इसमें इस ट्राइंगल को देखते हुए z स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर 2 ए आर कॉस थीटा, ये देखो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, ये एक पूरा ट्राइंगल देख रहे हो ए सी पी, इस ट्राइंगल में एक साइड कितनी है z है, एक साइड कितनी है a है, एक साइड कितनी है r है, तो हम कोई भी ट्राइंगल तीन ट्राइंगल की साइड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, मीन इनके रिलेशन निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर, और एंगल बिटवीन ए एंड आर के बीच में कितना है थीटा। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैथ्स में आप लोगों ने कर ली, ठीक है आपको मैथ्स के टीचर करवाएंगे ये प्रॉपर्टी, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस तो सबको आता ही है कि अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पाइथागोरस लगी जाएगी, पर अगर ये नहीं होगा और मान लो 60 डिग्री एक एंगल गिवन है तो भी साइड्स के बीच में रिलेशन निकल सकता है, और ये फॉर्मूला आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में या जो भी है टीचर करवाएंगे अभी, ठीक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आने वाला होगा चैप्टर हो जाएगा उसमें, अभी सीधा आप रिजल्ट ये समझ सकते हैं, मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं समझा सकता ना कहां से आई, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है समझ में आ रहा है यहां तक, तो लिखना आ रहा है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे इसमें, ठीक तरीका शॉर्टकट बता देता हूं, मान लो आप कौन सी साइड निकालना चाहते हो जेड, तो Z के ऑपोजिट एंगल क्या होगा थीटा,
और इनके बीच में साइड क्या है, ए और आर, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एम एस थीटा। ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह रिजल्टेंट कितना लग रहा है फॉर्मूला। चलो याद समझ में आ गया, ठीक है, मेरे को जरूर 2 मिनट के लिए स्टेप चाहिए था तो ताकि मेरा काम चल जाए। तो नेक्स्ट है, इसको एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, टू जेड डी जेड, टू जेड डी जेड, और यहाँ पर एक काम करेंगे, ए इज अ कॉन्स्टेंट, आर इज अ कॉन्स्टेंट, माइनस टू ए आर इन टू, माइनस टू ए आर इन टू, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा इन टू डी थीटा, तो माइनस से माइनस प्लस, तो टू इन टू जेड, टू से टू भी कैंसिल, तो जेड इन टू डी जेड इज इक्वल टू ए इन टू आर इन टू साइन थीटा इन टू डी थीटा। हाँ डिफ्रेंसिएशन टू इन टू कॉन्स्टेंट है, ए रेडियस कॉन्स्टेंट है शेल का, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट में चेंज नहीं करूंगा, वही निकलवाना है मुझे, तो आर इज अ कॉन्स्टेंट फॉर गिवन क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये स्टेप को फिर से समझाओ। देखो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा, ठीक है। आप एक काम करो, दोनों साइड्स को डी जेड कर दो, ये लो ए स्क्वायर आर स्क्वायर टू ए आर, ये लो, ये स्टेप क्लियर है। ए इज अ कॉन्स्टेंट, इसकी डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, आर इज अ कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन इज जीरो बिकॉज जिस पॉइंट पर मुझे वी निकालना है वो फिक्स्ड है। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, टू जेड एक पावर कम इन टू डी जेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टू ए आर इन टू माइनस साइन थीटा इन टू डी थीटा बाय डी थीटा इज वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, ठीक है। से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे प्रूफ पूछने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। दूसरी चीज, कोई बहुत हाई एंड क्वेश्चन जब होते हैं, जो एडवांस लेवल में चले जाते हैं, वो शेल्स और स्फेयर्स के ऊपर नए क्वेश्चन बना के देगा आपको, तो आपको ये पूरी ज्योमेट्री आनी चाहिए सो दैट आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि कैसे शेल्स के क्वेश्चन का तोड़ निकलेगा, ठीक। लेकिन मेंस तक नीट तक कुछ भी नहीं आता ऐसा, मेंस तक भी कुछ नहीं आएगा, बिट्स तक कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ एडवांस लेवल के ही आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसके प्रूफ जो है हमारे पास इजी प्रूफ्स अवेलेबल हैं, बहुत इजी प्रूफ्स, प्लस टू में गॉस थ्योरम मैंने बताया था, इसे बहुत आसान कर लेगी इसे, ठीक। बट अभी सीखना पड़ेगा इसे, तो इसमें नेक्स्ट जो है, यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यहां से अब यहां से काम करते हैं, हमने मास निकाला हुआ था, मास के अंदर हमें क्या चाहिए, साइन थीटा डी थीटा, तो एक काम करते हैं, साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू जेड बाय ए टाइम्स आर इनटू कितना डी जेड, इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो मास ऑफ रिंग बन जाएगा एम बाय टू इनटू जेड
बाय ए टाइम्स आर इंटू कितना डी सेट। तो ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ रिंग आ गया। देखो हम इंटीग्रेशन एंगल की फॉर्म में करने वाले हैं नहीं, हम अपनी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी सेट, जेड की फॉर्म में करेंगे हम, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर लिया इसे डी थीटा को किसमें, डी जेड में। अब स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग विल बी इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई जेड। अभी फॉर्मूला किया मैंने, रिंग की वजह से डीएम जो है मास ऑफ रिंग अपॉन डिस्टेंस जेड, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी जेड, डी एम की वैल्यू जो हमने निकाली कितनी, एम डिवाइडेड बाई टू इंटू जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई ए इंटू कितना आर। तो डी वी की वैल्यू आएगी माइनस जी एम बाई टू ए आर डी जेड। ठीक, तो इसमें अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस जी एम डी जेड डिवाइडेड बाई टू इंटू ए इंटू आर। केस नंबर वन, व्हेन पी लाइज आउटसाइड द शेल, अगर पी पॉइंट शेल के आउटसाइड लाए करता है लेट अस सपोज, तो इसकी जो लिमिट लगेगी मींस थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 180। देखो एक मिनट, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमने करना क्या है, हमने सारी रिंग्स को कवर करना है तब मेरा आंसर आएगा। सारी रिंग्स कवर कैसे होंगी, अगर एंगल थीटा थीटा जीरो होगा तो ये पहली रिंग आएगी, देखो ना ये रिंग है और कितने एंगल पर है एलिमेंट जो थीटा एंगल बना रहा है, फिर छोटी रिंग आएगी, छोटी आएगी, जो सबसे छोटी आएगी पहली रिंग आएगी, मतलब पॉइंट ही आएगा और पॉइंट का एंगल क्या होगा थीटा। फिर इधर से रिंग अगर बढ़ती जाएगी एंगल बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, बीच में मिड पॉइंट पे जो डायमीटर वाली रिंग आएगी एंगल क्या बनेगा 90। फिर ये वाली रिंग की तरफ जब आओगे तो एंगल क्या बन जाएगा 180। तो यानी कि आपकी थीटा की जो लिमिट है, थीटा की लिमिट है वो किसके किसके बीच में लाई करेगी, फ्रॉम जीरो टू 180 के बीच में लाई करेगी। अगर आप पूरे शेल को कवर करना चाहते हो तो थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो से 180। लेकिन हम क्योंकि एंगल की फॉर्म में तो अपना क्वेश्चन कर नहीं रहे, हम तो जेड की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हमारी जो लिमिट लगेगी वो किसकी फॉर्म में लगेगी, जेड की लगेगी। अब जेड की लिमिट कैसे लगेगी, जब मैंने एंगल जीरो लिया, जीरो लिया तो जेड की वैल्यू देखो क्या होगी इसमें, बोलो आर नहीं, जब मैंने एंगल जीरो लिया, जीरो का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो कहां पर आ गया है, यहां पे आ गया है, राइट, ये एलिमेंट यहां पे आ गया। तो ना, तो अब उस केस में मेरे को यहां से लेके यहां का डिस्टेंस निकालना है, और जब मैं 180 लूंगा तो मैं यहां से यहां का डिस्टेंस लूंगा। देखो सारी रिंग्स कवर तब होंगी जब पहली रिंग और आखिरी रिंग से डिस्टेंस लिए जाएंगे। तो पहली रिंग का मतलब है थीटा जीरो का मतलब कि ये पॉइंट यहां आ गया, तो z की वैल्यू ये बन जाएगी, अगर ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया तो ये जो z देख रहे हो वो ये बन जाएगा, और ये z की वैल्यू क्या होगी, r माइनस a, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है a। तो समझ में आ रहा है यहां पर, तो z की लिमिट क्या पुट करेंगे, r माइनस a। स्टेप समझ में आया कैसे, आपको z की वैल्यू पुट करनी है जब थीटा जीरो है। अच्छा जब थीटा कितना है 180, तो ये पॉइंट है और आखिरी रिंग से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस R है R प्लस A, तो यहां पर R प्लस A। तो अब आप इस लिमिट को ऊपर पुट करेंगे, dV 0 से V माइनस जी एम टू ए आर वन डी जेड फ्रॉम R माइनस A से लेके R प्लस A। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस जी एम बाई आर, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही है। एंड रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आज, क्योंकि शेल से
एक शेल से आर डिस्टेंस दूर वी क्या होता है, माइनस जी इंटू मास ऑफ शेल डिवाइडेड बाय आर, फॉर्मूला तो आपको आता है, तो प्रूफ तो आपको मतलब एंड रिजल्ट आपको आता है, लेकिन ये नहीं पता वो कैसे आया। तो आपको एक आइडिया पता लग गया कि कैसे इसको निकाला गया, ठीक। देखो व्हेन पी लाइज, केस नंबर टू लिखो, व्हेन पी लाइज इनसाइड द शेल, पी लाइज इनसाइड द शेल, तो अगर पी इनसाइड लाई करेगा, बनाऊं फिर से शेल, ये रहा, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, आर था। अच्छा इस बार मुझे पॉइंट पी यहां लेना ही नहीं, सच मुझे पॉइंट पी यहां लेना है, मान लो यहां पे, ये रहा, और ये डिस्टेंस कितना है इसमें, ए है, ये डिस्टेंस कितना है इसमें, ये भी ए है। तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट आता है तो ये पहली रिंग आती है, थीटा इज इक्वल टू 180 की ये वाली रिंग आती है, ये वाला पॉइंट आता है। तो अब ये बताओ कि पहली रिंग के लिए इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, जो पहली रिंग है उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, यहां से आपको पहला डिस्टेंस यहां से लेना है, दूसरा डिस्टेंस इस रिंग से लेना है, तो ये कितना है, ए, ए में से आर गया, क्या बचा, ए माइनस आर। तो यानी कि इस केस में आप लिमिट क्या पुट करेंगे, ए माइनस आर। फिर जब यहां वाला पॉइंट आएगा 180, तो अब यहां से पी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, ए प्लस आर, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस आर, सेम है, तो यहां पर ए माइनस आर हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जी एम बाई क्या आएगा, ए आएगा। और एंड रिजल्ट हमें पता है कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, जितना उसकी सरफेस के ऊपर होता है, ये प्रूव हो गया, सरफेस के अंदर हमेशा आंसर यही आएगा, तो एंड रिजल्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
नेक्स्ट है पोटेंशियल, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो केस नंबर वन, व्हेन पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर, पी जब आउटसाइड लाई करेगा तो क्या होगा। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, मुझे बाहर निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू। तो मुझे, अगर मुझे पोटेंशियल बाहर निकालना है तो ये सॉलिड स्फीयर किससे बना होगा? बहुत सारे ना सॉलिड स्फीयर, ओके, तो ऐसे देख रहे हैं डिस्क से बना होगा। डिस्क का वी क्या होता है फिर? वो तुमने किया ही नहीं, ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको डिस्क में काट लो, एक डिस्क का वी निकाल लो, सारे डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर दो। सही है, गलत तो नहीं कह रहा, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। अब हमें पहले डिस्क का वी निकालना पड़ेगा अलग से। तो इसका एक और आसान तरीका है, एक और तरीका, सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है? बहुत सारे शेल से विद सम थिकनेस। तो एक शेल ले लेते हैं विद सम थिकनेस, ये लो, ये एक शेल हो गया। रिंग कैसे ले सकते हैं यार? सर रिंग तो 2D है ना, रिंग जोड़ के सॉलिड स्फीयर कैसे बना सकते हैं? रिंग की तो ठीक है, अच्छी बात है, तो शेल बनेगा। उल्टा कर लो ना, काट के देखो ना, एक खाली बॉल ले आओ तो उसको काट काट के देखो, रिंग बनेगी प्लेट्स के ऊपर, देख लेना, बांट लेना, रिंग्स बनेंगी। सॉलिड स्फीयर लेके आओगे तो डिस्क बनेगी या रिंग्स बनती जाएंगी, शेल्स। हाँ ऐसे तो यार फिर एक स्टेज और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें, तो अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें एक शेल लेंगे विद सम थिकनेस, तो कंसिडर अ शेल विद सम थिकनेस, और मुझे r डिस्टेंस के ऊपर v की वैल्यू निकालनी है इसमें, एंड सच दैट ये जो मैंने शेल लिया ये x रेडियस का है, इसकी थिकनेस कितनी है? tx है, और इसका खुद का रेडियस कितना है स्फीयर का? a है। अब शेल का मास, सपोज ये शेल है, इसका स्मॉल मास, टोटल मास अगर m है स्फीयर का, इसका स्मॉल मास कितना है? डीएम है। अच्छा शेल के आउटसाइड वी निकालना आता है, अभी किया। शेल के आउटसाइड वी क्या होगा? माइनस जी इंटू मास ऑफ शेल डिवाइडेड बाय आर, उसको डीवी लिखेंगे। और टोटल वी निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा सारे शेल्स का मास जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? टोटल मास ऑफ स्फीयर, आंसर आ गया। सारे शेल के मास को इंटीग्रेट कर दो तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस जी एम बाई आर। ईजी है, अच्छा किया शेल से ले लिया, डिस्क से भी कर सकते थे, लंबा है। ठीक, नेक्स्ट है केस नंबर टू, व्हेन पी इज इनसाइड द स्फीयर, जो पी पॉइंट है वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है। तो लेट अस सपोज ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इस बार पी पॉइंट इनसाइड है, दिस इज आर, मास इसका कितना है? एम है, एम है। ठीक, जब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब हम इनसाइड चले जाते हैं, जब हम इनसाइड जाते हैं तो P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, हम ना इस पूरे स्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहले अंदर वाला स्फेयर और फिर कुछ ये बाहर वाला पोर्शन। अंदर वाले पोर्शन की वजह से यहां पर V निकाल लेंगे,
पहले इसका मास निकाल लेंगे, इसका वी का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर लाई करता है अंदर वाले के। फिर हम आउटर पोर्शन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और फिर दोनों को एड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा। करके देखे, देखो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ हम इसमें इनसाइड वाली बात करेंगे। इनसाइड मींस कि ये वाला जो ये वन पोर्शन है, वन वाला इनसाइड मींस पोर्शन वन। वन पोर्शन को अगर अलग से बनाया जाए तो ये आर है और ये पी है, इसका मास कितना है, एम डैश है। तो एक काम करते हैं, टोटल वॉल्यूम अगर 4/3 πr³ है तो मास कितना है इसमें, एम है। वन के लिए एम डिवाइडेड बाई 4/3 πr³ है, इसका कितना है 4/3 × π × कितना आर का क्यूब, तो मास कितना है, एम डिवाइडेड बाई 4/3 πr³ × 4/3 πr³। ये किसकी वैल्यू आ गई, एम डैश की वैल्यू आ गई। तो एम डैश इज इक्वल टू एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, तो एम डैश की वैल्यू आ गई। ठीक, तो इसकी वजह से जो v होगा यहां पे, v₁ - g एम डैश डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला देख लो इस पॉइंट पर, इसकी वजह से v का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, -g एम डैश डिवाइडेड बाई आर। तो v₁ = -g/r, एम डैश की जगह m स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। तो v₁ = -g m r² / r³। तो किसकी वैल्यू आ गई, v₁ की वैल्यू आ गई। नहीं इसमें ठीक है, इसमें एक अच्छा रेडियस, इसमें सॉरी कैपिटल आर ले लिया, आई एम सॉरी, रेडियस तो मैंने ए लिया था ना पहले स्फीयर का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ना ए ले लो प्लीज, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी, इसमें ए के साथ ही करेंगे। तो ए क्यूब, कोई बात नहीं, इसमें ए क्यूब कर लो, ये ए क्यूब हो गया, यहां पर भी ये ए का क्यूब हो गया, बाकी सब सेम ही है, ए का क्यूब हो गया। ठीक, -g m r² / a³। तो पिछले वाले के साथ लेट हो जाएगा ना अब ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या पोर्शन कंसिडर करेंगे, यहां से लेके आर से लेके ए तक के बीच में, आर से ए तक के बीच में जितने भी शेल्स आएंगे, जैसे एक शेल आ गया, सपोज इसका डिस्टेंस कितना है एक्स, एक शेल मैंने कंसिडर किया, ऐसे बहुत सारे शेल्स आएंगे कहां से कहां तक, आर से लेके ए तक बहुत सारे शेल्स हैं। ठीक, तो मैं P पॉइंट पर यहां से यहां तक जितने भी शेल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इन सभी शेल्स का, फिर मैं इसके साथ उसे ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो हमने इसके लिए बहुत सारे शेल में से कोई एक शेल ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dx और रेडियस कितना है x। ठीक, ये शेल आ गया कोई भी, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लें P पॉइंट पर क्या होगा। अब ये P पॉइंट शेल के इनसाइड लाई करता है और शेल के सरफेस के ऊपर और इनसाइड वी क्या रहता है, सेम रहता है, जीरो नहीं रहता, शेल है कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पे उतना अंदर रहेगा। पर इसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मास ऑफ शेल निकालना पड़ेगा तभी मैं वी निकालूंगा इसका। अब मास ऑफ शेल कैसे निकलेगा, मान लो इस केस में डीएम इज मास ऑफ शेल। ठीक, मास ऑफ शेल कैसे निकलेगा, अगर 4/3 या अगर टोटल मास m है इतने वॉल्यूम का, तो मास m है, 1 के लिए m 4/3 πa³ और जो मैंने शेल लिया इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया 4πx² × थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है वॉल्यूम। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, m डिवाइडेड बाई 4/3 πa³ × 4πx² × dx, ये किसकी वैल्यू आ गई, डीएम की। ठीक, तो डीएम की वैल्यू सिंप्लीफाई करो तो डीएम की वैल्यू आ रही है 3mx² dx डिवाइडेड बाय a का क्यूब। ठीक,
तो इस शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन पी पॉइंट पर क्या होगा, माइनस जी इंटू डी एम डिवाइडेड बाई शेल का रेडियस क्या है एक्स। तो जितना शेल के सरफेस के ऊपर भी होगा उतना ही अंदर होगा, और पी पॉइंट शेल के अंदर लाई करता है तो रेडियस एक्स आएगा। तो यहां पर डीवी की वैल्यू आएगी माइनस जी डीएम की जगह थ्री एम एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाई ए का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस जी थ्री एम एक्स डीएक्स बाई ए का क्यूब, ठीक। और इसे इंटीग्रेट किया जाएगा कहां से कहां तक, इसकी इंटीग्रेशन होगी r इज इक्वल टू r से लेके a तक, क्योंकि शेल्स कहां से कहां कंसिडर करने हैं आपने इंटीग्रेशन के टाइम, r से a तक। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई 2 लिख लेते हैं, V2 तक, V2 की वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपके पास कोई माइनस थ्री जी एम बाय 2a का क्यूब ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये V2 आ गया और ये V1 आ गया। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे आ जाएगा V1 प्लस V2। ऐड करने पे आंसर आ रहा है कोई, जब इसे ऐड करोगे तो आंसर इज माइनस जी एम बाय 2a का क्यूब 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो एक आखिरी फॉर्मूला था हैंड रिटन मेरी बुकलेट के अंदर, मैंने पॉइंट पी इनसाइड के अंदर बहुत बड़ा सा फॉर्मूला करवाया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। और अगर पॉइंट सेंटर के ऊपर हो, सेंटर के ऊपर आर को क्या लेंगे जीरो, तो आंसर आएगा v एट सेंटर विल बी इक्वल टू माइनस 3/2 जी एम डिवाइडेड बाई ए। मैंने शॉर्टकट बताया था कि जितना सरफेस के ऊपर होता है उतना 3/2 टाइम्स हो जाता है सेंटर के ऊपर। रिजल्ट किए वो वी के थे, अब रिजल्ट आएंगे ई के, ई, ठीक। ई के रिजल्ट्स में टू फाइंड ई ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, एक यूनिफॉर्म रिंग है, वही सेम क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये R है और ये फिर से एक बार Z है, जिसकी वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन इस बार मुझे यहां पर क्या निकालना है, E निकालना है, इसका मास है m, V नहीं निकालना, V आसान होता है निकालना, E इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इसमें वेक्टर लगते हैं, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बिना वेक्टर के ये सॉल्व नहीं होने वाला।
ठीक, देखो जहां पर ई निकालना है वहां इमेजिन करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज और पूरी रिंग इसे अट्रैक्ट करेगी। ठीक, अब कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं डीएम, एलिमेंट है, पॉइंट है, तो डीएम इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो स्मॉल वैल्यू के साथ डीई, डीई सिमिलरली, और सपोज ये एंगल कितना है इसमें अल्फा, राइट, और ऐसी एक और डायमीटर के लिए ऑपोजिट एलिमेंट लेते हैं डीएम नीचे वाला, बिल्कुल ऑपोजिट वाला, तो ये भी इसे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, सेम जो सिमेट्री ऊपर है वही नीचे बनेगी, एंगल भी सेम बनेगा डीई। अब डी इज अ वेक्टर एंड कैन बी रिजॉल्व इन टू टू पार्ट, एक डीई कॉस अल्फा और दूसरा डीई साइन अल्फा। सिमिलरली ये डीई, तो ये क्या आएगा डीई कॉस अल्फा और ये क्या बनेगा डीई साइन अल्फा। अब डीई की वैल्यू का मैग्नीट्यूड ऊपर और नीचे से सेम आएगा तो ये वेक्टर आपस में क्या कर जाएंगे कैंसल, और नेट ई की वैल्यू कहां आएगी टुवर्ड्स सेंटर। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैंने अभी रिंग के कितने एलिमेंट्स लिए हैं, सिर्फ दो, ऐसे करके दो 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 करके डायमेट्रिक पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे, सभी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दो एलिमेंट का ये दोनों कंट्रीब्यूशन है, एक एलिमेंट लेता तो एक कंट्रीब्यूशन है, तो हमें काम करते हैं ऐसे कितनी एलिमेंट सेंटर की तरफ होंगे, नेट ई की वैल्यू के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लो डीई कॉस अल्फा और उसको क्या कर दो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट डीई कॉस अल्फा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो एलिमेंट टू डीई कॉस अल्फा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चार एलिमेंट होते तो चार डीई कॉस अल्फा, पता नहीं कितने एलिमेंट है, तो हर का कंट्रीब्यूशन डीई कॉस अल्फा है, कैंसल होता जाएगा, जब आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेते जाओगे साइन हमेशा कैंसल होगा, कॉस हमेशा सेंटर की तरफ ही आएगा। यहां तक क्लियर है? तो इसमें अब इंटीग्रेशन के अंदर पहले डीएम इसकी वैल्यू पुट कर लें, डीएम डीई की, डीई किसने लगाया डीएम ने, कितना जी इंटू डीएम डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर, और कॉस अल्फा पुट करें कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड, तो क्या आएगा जी आर बाई जेड का क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक एलिमेंट का मास डीएम है, पूरी रिंग के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करोगे तो टोटल मास ऑफ रिंग आ जाएगा एम, तो जी आर एम बाई जेड का क्यूब, जी आर एम बाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब, तो आंसर आएगा जी आर एम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आंसर। एक्सिस के ऊपर ई का ये फॉर्मूला होगा, शायद मैंने लिखा नहीं हुआ उसमें, क्या लिखा हुआ है तो ये नोट कर लेना, फॉर्मूला तो कम से कम याद होना चाहिए ना।
ई ड्यू टू डिस्क, अब हम ई करेंगे ड्यू टू डिस्क, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये डिस्क है, डिस्क का मास कितना है, एम है, डिस्क जो है वो इस तरीके से किससे बनी हुई है, बहुत सारी एलिमेंट्री रिंग से बनी हुई है, हमें रिंग की वजह से ई निकालना आता है, तो डिस्क के लिए एक ई लेके हम क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, तो आपने इसका जो डिस्क का रेडियस है, रेडियस डिस्क का इज ए, और जो आपने रिंग ली उसका रेडियस इज एक्स, कोई भी एलिमेंट्री आपने, कोई भी एलिमेंट्री आपने इसमें रिंग कंसिडर की, दिस इज स्मॉल रिंग जिसका मास कितना है डीएम, ठीक, और इसमें यहां पर मुझे ई निकालना है, सपोज ये एंगल कितना है थीटा, ठीक। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले मास ऑफ रिंग निकाल लें, मास ऑफ रिंग बोलो क्या होगा, टोटल मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया कितने रिंग का 2 पाई एक्स इनटू डीएक्स, तो डीएम की वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा, इस रिंग की वजह से, रिंग का रेडियस कितना है एक्स, रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर या एक्सिस का डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, आप ई निकाल सकते हो, अभी क्या आपने रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर डी की वैल्यू का फॉर्मूला अभी किया, जी इंटू मास ऑफ रिंग इंटू डिस्टेंस कितना आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, कितने लोगों को समझ में आ गया क्या किया, ये मास ऑफ रिंग डीएम में पुट कर दिया, एक्सिस से डिस्टेंस कितने आर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना हमें, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2, पिछला रिजल्ट लगाया हमने, इसका जो पिछला रिजल्ट था आप चेक कर लो, ये रिजल्ट था पिछला, अभी रिंग के लिए निकालना है ना, डिस्क के लिए निकाल लेंगे, तो रिंग का यूज कर लिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, टोटल ई निकालने के लिए जी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 इनटू डीएम, डीएम की वैल्यू पुट करेंगे एम बाय पाई ए स्क्वायर इनटू 2 पाई एक्स इनटू कितना डीएक्स, तो ई विल बी इक्वल टू 2 जी एम आर ए स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 डी एक्स, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक, क्योंकि पहली रिंग बनेगी 0 पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और आखिरी रिंग कहां बनेगी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर याद हो इंटीग्रेशन क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक होती थी, भूल गए, आखिरी टेक्निक थी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, इसको वाई पुट कर लेते थे, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, हाँ, तो मींस जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, हमने करनी नहीं है, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अगर हम लगाएं, जो मैथ्स वाले लोग आपको कैलकुलस में करवाएंगे, हमने नहीं करनी, और इसको इंटीग्रेट करें तो सीधा फॉर्मूला नोट करें, ई की वैल्यू आएगी 2 जी एम आर बाय ए का स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट्स लिमिट पुट करने के बाद ये फाइनल आंसर आएगा, तो मैथ्स में अपने आप सब्स्टिट्यूशन आप कर सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो नेक्स्ट है ई ड्यू टू स्फेरिकल शेल, अगेन बहुत बड़े इंटीग्रेशंस हैं, बट अब आपको एक आइडिया पता लग गया कि कैसे आपको करना है ई ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और ऐसी ई ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर में ई वैसे निकलेगा जैसे अगर हम कोई पॉइंट अंदर लेते हैं तो पहले अंदर का ई निकलेगा,
फिर बाहर का ई निकलेगा, बट हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर ई के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट एडवांस क्लास में किए थे, तो हमें न्यूमेरिकल तो आ गए ना करने, तो सफिशियंट है। ये सिर्फ एक लेक्चर इसलिए था आपको एक आइडिया पता लगे कि एग्जैक्टली चीज़ें चलती कैसे हैं। ठीक, कोई डाउट इसमें? अगर आपको देखना है तो मैं उसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं कैसे निकलता है, अगर आप लेके जा सकते हो 10-15 मिनट के और वीडियोस, बट ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। ऐसे अननेसेसरी हम फालतू में इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं जो हमें मालूम है कि बहुत एक आइडिया हमें पता लग गया अभी इसे कैसे करना है। ठीक, एक और बड़ा आसान तरीका है मेरे पास, अगर कैलकुलस अच्छे से आता है तो। ई क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। आप कुछ ना करो, आपने वी निकाल लिया सबके, अब वी को पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो, ई आते जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा ईजी है। तो समझ में आ गया यहाँ तक?